भरत जी है, मयंक है, ठीक है। तो कल की क्लास में हमने कुछ इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स के रिलेशंस और उनके बारे में पढ़ा था, और कुछ क्वेश्चंस किए थे उसके ऊपर। और मैंने आपको तीन रिलेशन याद करवाए थे, एक बार फिर से हम उनका रिवीजन कर लेता है। मैंने आपको तीन रिलेशन याद करवाए, तो रिलेशन क्या था मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप मेरे साथ वापस रिपीट कीजिएगा। फर्स्ट वन वाज ई इक्वल टू 2g1 प्लस म्यू। बोलो मेरे साथ, E इक्वल टू 2g1 प्लस म्यू। E इक्वल टू 3k1 माइनस 2 म्यू। ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, तो आपको क्या एग्जाम में इसके फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, वो कल मैंने आपको करवाए हैं, कल के उसमें कंटेंट में आपको मिल जाएंगे। आप लेक्चर नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पे लेक्चर पर जाके देख सकते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है वो, आपको एग्जाम में 99% देखने को मिल सकता है। अब हम आज के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, टेम्परेचर स्ट्रेसेस, बहुत बार हमें समझ में नहीं आता, और ये क्वेश्चन एग्जाम में इसका जनरली पूछा जाता है, एसएससी और आपके आरपीएससी एग्जाम्स में, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में रहता है। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ टेम्परेचर स्ट्रेसेस होती क्या है ना। तो आप लोग देखते हैं, आप सबसे लाइव एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, तो आपके जो रेलवे लाइन्स होती है ना, वहाँ पर जो आपकी पटरी होती है, तो पटरी के बीच में आपने गैप देखा होगा, है ना। ये आपकी पटरी है, पटरी के बीच में आपने गैप्स देखे होंगे। तो ये गैप्स रखने का प्रोविजन क्या है ना। तो ये प्रोविजन क्या है और क्यों गैप रखा जाता है, इससे रिलेट करते हैं हम इसको टेम्परेचर स्ट्रेस को, कि जब कोई भी मटेरियल है, जब कोई भी मटेरियल जब उसको हीट देते हैं, हम क्या करते हैं, हीट देते हैं, हम इस पे फायर करते हैं या हीट देते हैं, है ना, इन टर्म्स ऑफ, चाहे वो धूप से हो, चाहे फायर से हो, चाहे किसी भी एब्रेसिव एक्शन से हो, क्योंकि पिस्टन जब रन करेगा इंजन में तब तब भी उसमें हीट डेवलप होगी। डायरेक्टली एटमोस्फियर में रख दिया किसी को, जैसे आपकी रेल की पटरी रखी हुई, तो भी उसमें सनलाइट की वजह से हीट होगी, है ना। या फिर किसी किसी फर्नेंस में अगर कोई मटेरियल लगा है, तो वहां पे भी उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पे अगर किसी मेटल की साइज में, मेटल के वॉल्यूम में इंक्रीज या डिक्रीज हो, क्या बोल रहा हूँ, मेटल के वॉल्यूम में इंक्रीज या डिक्रीज हो, दोनों हो सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज, टेम्परेचर चेंज होने पर, बढ़ने पे या घटने पे, उसके वॉल्यूम में इंक्रीज डिक्रीज हो, है ना, तो इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर चेंज, है ना, वॉल्यूम चेंज ड्यू टू टेम्परेचर। अब क्या है, देखो समझना यहाँ पे, मैं आपको अगेन वापस रिपीट करता हूँ। एक बॉडी ले लेता हूँ सिंपल सी, ये मैंने वही मेरी रेलवे पटरी ले ली है यहाँ से, है ना। इसका एक बॉक्स ले लिया, अब इस पर अगर मैं हीट डाला, है ना, इसका अभी टेम्परेचर मान लिया मैंने, इसका टेम्परेचर है 20। तो ये जो लेंथ में चेंज हुआ है ना, तो ये लेंथ में चेंज किसकी वजह से है, टेम्परेचर में चेंज की वजह से है। क्योंकि जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, तो उसके मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है ना, वो अरेंजमेंट चेंज होता है। तो वो क्या है, कभी गैसेस में तो क्या करता है, उसको कंप्रेस कर देता है, लेकिन हमारे सॉलिड्स में और लिक्विड्स में उसके वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है। तो हम लोग फिलहाल हमारे सोम की बात करते हैं, या हमारे मेटल्स की बात करेंगे हम, तो हमेशा हमारा क्या होगा, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा, वैसे वैसे उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा। अब वॉल्यूम में भी हम लोग जनरली सिर्फ बात करेंगे लेंथ की, कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे लेंथ बढ़ेगी, ठीक। क्योंकि हमको मेटल्स का स्ट्रक्चरल यूज करना है, और स्ट्रक्चर में हर मेटेरियल की एक डिफाइंड लेंथ होती है ना। तो डिफाइंड लेंथ, अगर लेंथ इंक्रीज हुई तो भी दिक्कत, और कम हुई तो भी दिक्कत। अब दिक्कत क्या क्या हम आगे बात करेंगे, फिलहाल फिलहाल यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, इसमें इंक्रीज होता है, लेंथ में इंक्रीज होता है। अब लेंथ में इंक्रीज होता है तो कितना इंक्रीज होता है, ये डिफाइन करना है हमें, है ना। तो इसको डिफाइन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, कि आपको एक कॉन्स्टेंट आपके लिए इंट्रोड्यूस करूंगा। तो पहले डेफिनेशन पे, ये यहाँ तक क्लियर है आपको मैंने अभी तक जो बताया, यस है ना। अब देखो यहाँ लिखा हुआ, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एनी बॉडी चेंजेस, इट डायमेंशंस ऑल्सो चेंजेस।
कंसिडर अ ब्लॉक ऑफ होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल, हर बार आपको असम्पशन लेना ही है, इट इज फ्री टू एक्सपांड इन ऑल डायरेक्शन, जैसा मैंने अभी बॉक्स बनाया था। अब अगर आपका टेम्परेचर एक्सपांड होता है तो उसकी जो हर एक साइड है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसका जो हर साइड है, हर एक साइड है वो एक्सपांड होगा, उसका लेंथ इंक्रीज होगा हर तरफ से। तो ये देखो यहाँ पे जो डार्क ब्लैक कलर का बॉक्स है वो तो आपका इनिशियल पोजिशन था, और आपका जो उसके साइड में रेड कलर का ये बड़ा बॉक्स है, ये आपका क्या है, आफ्टर द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कितना डिफॉर्मेशन हुआ वो हमें अब पता करना है ना। तो टेम्परेचर की वजह से जो लेंथ इंक्रीज हो रही है, जो स्ट्रेन हो रहा है, एक तो हमने अभी तक पढ़ा स्ट्रेन ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल लोड, अब हम जो बात करेंगे मेरी स्ट्रेन बढ़ेगी ड्यू टू टेम्परेचर। तो मैं सीधा क्या बोल देता हूँ, मुझे पता है जितना टेम्परेचर बढ़ाऊंगा उतनी स्ट्रेन इंक्रीज होगी, एग्री करते हो मेरे साथ? जितना टेम्परेचर बढ़ाऊंगा उतनी स्ट्रेन इंक्रीज होगी, एग्री करते हो? यस और नो? इस मटेरियल का जितना टेम्परेचर बढ़ाता जाओगे उतना इसका लेंथ इंक्रीज होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा? एक 25 डिग्री की बात कर रहे हैं, एक 30 की बात कर रहे हैं, एक 35 की बात कर रहे हैं, 40 की बात कर रहे हैं, एक 60 70 80 की बात करते हैं। तो जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वैसे उसका लेंथ इंक्रीज होता जाएगा। तो हमारा हमारा कंक्लूजन क्या बोलता है कि आपका जो टेम्परेचर की वजह से स्ट्रेन आया, इसको मैंने ई टी लिख दिया है ना, यहाँ पे ई टी लिख दिया है, इट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर चेंज, इट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर चेंज, है ना। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटाता हूँ मैं, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूँ तो मैंने कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे, इट इज अल्फा, और इस अल्फा को बोलता हूं मैं कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। क्या बोलता हूँ? कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, दिस अल्फा इज योर कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, है ना। अब कभी कभी एग्जाम पूछा जाता है कि इस अल्फा की यूनिट क्या होती है ना, तो बड़ा कंफ्यूज होता है कि अल्फा की क्या यूनिट होगी, है ना, क्योंकि हमें सुनने में बड़ा बेकार लगता है कि ऐसी भी कोई यूनिट होती है क्या, 1 बाय डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा भी कोई यूनिट होता है क्या? तो हम लोग सोचते ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन क्या है, देखो हम लोग इसी फॉर्मूला से यूनिट डिराइव करेंगे। हमारा ये प्रिंसिपल है बेसिक कि आप वहीं से फॉर्मूला डिराइव करो, वहीं से डायमेंशन डिराइव करो जो आपका मेन फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखो स्ट्रेन क्या है, आपका यूनिटलेस है या यूनिट वाली क्वांटिटी है? स्ट्रेन यूनिट वाली क्वांटिटी है, यूनिटलेस है? यूनिटलेस, यूनिटलेस है, गुड, है ना। तो ये हमने पढ़ा, क्योंकि स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ बाय लेंथ, तो लेंथ से लेंथ गया तो मीटर मीटर खत्म हो गया, तो यूनिटलेस हो गया। अब यहाँ पे देखो इधर देखते हैं इस तरफ, इक्वल टू के इस साइन की तरफ, तो टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर चेंज का तो यूनिट होगा, वो क्या होगा आपका, डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो केल्विन होगा या डिग्री सेल्सियस होगा। अब अगर डायमेंशन को बैलेंस करना है दोनों तरफ तो आपको क्या करना होगा, अल्फा की इसकी उल्टी यूनिट लेनी होगी, इसका रेसिप्रोकल लेना होगा, दैट इज 1 बाय डिग्री सेल्सियस। तो इस अल्फा का यूनिट क्या होगी आपका, 1 बाय डिग्री सेल्सियस, या फिर केल्विन में अगर टेम्परेचर लिया है तो इट इज 1 बाय केल्विन, ठीक। तो इसका यूनिट नहीं बोलना, इसका यूनिट क्या होता है, 1 बाय केल्विन या 1 बाय डिग्री सेल्सियस, और इसको हम बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक। यहां तक कोई परेशानी? एंड एक कंक्लूजन ध्यान रखना, इलास्टिक सॉरी टेम्परेचर स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर चेंज, ठीक है, जैसा हमने ऊपर पढ़ा था अभी। अब देखो इसमें क्या है कि मैंने आपको जो कंडीशन बताई अभी वाले उसी पे चल रहा हूं मैं, अगेन अब आपके सामने तीन केसेस आते हैं इसके, है ना। तो केसेस क्या बोलेंगे हम लोग इसी पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आपका अगर कोई मटेरियल, कोई बार आपका ऐसा है, इनिशियली जो मैंने ये आपका डार्क कलर से जो बना रखा है आपका मैंने, जिसमें बिना डैश लाइन ये वाला है ना, ये वाला, इसका इनिशियल लेंथ अगर एल है, क्या है, इनिशियल लेंथ एल है, और मैंने इसका टेम्परेचर, इसका इनिशियली टेम्परेचर कुछ टी था, उसमें मैंने एक्स्ट्रा इंक्रीज किया तो डेल्टा टी मैंने टेम्परेचर चेंज किया, 25 डिग्री से अगर 40 डिग्री कर दिया तो डेल्टा टी कितना हो गया, 15 डिग्री हो गया। तो मैंने क्या इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होगा, जैसा हमने पढ़ा उसका लेंथ इंक्रीज होगा, तो उसमें डेल्टा टी इंक्रीज हुआ, मतलब डिफॉर्मेशन ड्यू टू टेम्परेचर चेंज इंक्रीज हुआ। अब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो कितना इंक्रीज हुआ वो फाइंड करना है हमें, कि भाई इंक्रीज, क्योंकि हमने पढ़ा है कि डेल्टा, हमने सिंपल केस में क्या पढ़ा, डेल्टा इज योर पी एल अपॉन ए, पढ़ा है ना ये जब लोड लगता है आपका एक्सटर्नल लोड लगता है पी,
जब एक्सटर्नल लोड लगता है तब डेल्टा इज पीएल अपॉन ए। तो जब टेम्परेचर चेंज होगा तब भी आपको इस डेल्टा का फॉर्मूला तो पता हो कि कितना चेंज होगा, है ना। तो इस चेंज को निकालने के लिए क्या करेंगे हम, कि हम लोग क्या करेंगे, हम जानते हैं है ना कि आपका जो आपका स्ट्रेन होता है ना, स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो देखो यहाँ पे मैंने टेम्परेचर स्ट्रेन को ई टी से लिखा है और चेंज इन लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर को डेल्टा टी से लिखा है और ओरिजिनल लेंथ को एल से लिखा है। तो यहां तक तो ठीक है, अब हमको निकालना है डेल्टा टी। तो डेल्टा टी विल बी एल मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन ड्यू टू टेम्परेचर, दैट इज ई टी। मतलब आपका डेल्टा टी इक्वल टू एल इंटू ई टी। अब मैंने देखो यहाँ पे जस्ट इसके ऊपर पड़ा है योर ई टी इज इक्वल टू अल्फा टी, योर ई टी इज इक्वल टू अल्फा टी। तो मैं वहां पे ई टी की जगह अल्फा टी रख लेता हूँ, ठीक है। तो दिस विल बी योर एल अल्फा टी। देखो डेरिवेशन ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर्मूला पिक्चर में लाने के लिए, दिमाग में पिक्चर बनाने के लिए डेरिवेशन थोड़ा ध्यान हो तो आपके लिए सिंपल। मैं तो बोलता हूँ याद कर लो, अल्फा टी इज सॉरी यहाँ पे जो टेम्परेचर चेंज की वजह से जो डिफॉर्मेशन हुआ दैट इज डेल्टा टी, दिस इज योर एल अल्फा टी। एल अल्फा टी, एल इज लेंथ, अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड टी इज टेम्परेचर चेंज। ध्यान रहेगा, बोलो एक बार एल अल्फा टी, फोन अनम्यूट करो और बोलो डेल्टा डेल्टा टी इज एल अल्फा टी, है ना, गुड एल अल्फा टी। अब एक और याद करवाता हूँ एल अल्फा टी के साथ, एक पेयर और है ये याद कर लो, ई अल्फा टी, बोलो ई अल्फा टी। क्या बोलोगे, ई अल्फा टी, ई अल्फा टी, है ना। अब ये तो पूछा ही नहीं आपने किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है कि कितनी स्ट्रेस जनरेट होगी ड्यू टू दिस टेम्परेचर स्ट्रेन, है ना। तो हम देखो अभी फिलहाल चलते पहले आगे आपको बताता हूँ होता क्या, स्ट्रेस कैसे जनरेट होती है। तो हम अभी इसी केस की बात करेंगे पहले, ये जो केस हम पढ़ रहे हैं इसी की बात करेंगे। इसमें आप अब एक बात बताइए आप मेरे को कि सपोज आपका, मैंने ये एक तरफ से देखो इसका एक एंड फिक्स है ना, एक एंड पे मैंने इसको पकड़ रखा है और अब मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया था। ये पहले ये शेप था जो मैंने अभी बनाया रेड पेन से, और फिर मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया था। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया तो इसकी लेंथ क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। तो यहाँ पे कोई स्ट्रेस जनरेट होगी क्या, यहाँ पे कोई स्ट्रेस जनरेट होगी क्या, हाँ और ना? नहीं सर। क्यों नहीं होगी? बिकॉज इट इज फ्री एक्सपांशन, क्योंकि स्ट्रेस तब जनरेट होता है जब कोई रेजिस्ट करता है किसी चीज को। यस, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट लेक्चर में बेसिक डेफिनेशन है, स्ट्रेस इज रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, है ना। तो यहाँ पे तो डिफॉर्मेशन के लिए कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, बाहर चाहे फैलता जाए हमको उससे कोई मतलब नहीं, जितना टेम्परेचर बढ़ाए भाई तू फैलता जा, है ना। तो यहाँ पे हम उसको कोई रोक नहीं रहे जब तक, अब हम क्या करें, अगर यहाँ पे इसके आगे एक हम कोई दूसरा रिजिड बॉडी लगा दे, इसको रोक दे, यहाँ पे आपने इसको हाथ से रोक दिया भैया मैं आगे नहीं जाने दूंगा, है ना। तो क्या आप क्या कर रहे हो, इसमें रेजिस्टेंस दे रहे हो कि आप आगे भैया डिफॉर्मेशन मत होने दे, आगे रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, तो उसमें स्ट्रेस जनरेट हो। तो यहाँ पे तो फ्रीली एक्सपांड हो रहा है तो इसमें कोई स्ट्रेस जनरेट नहीं होगी, है ना। जब आपका बार फ्री टू एक्सपांड है, कोई आगे कोई यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, तब तक क्या होगा, वो उसमें कोई स्ट्रेस जनरेट नहीं होगी। तो इसलिए आपका वापस यहाँ समझो कि आपके जो रेल के पटरी होती है वो दूर दूर होती है ना। तो जब गर्मी में टेम्परेचर बढ़ता है तो वो पास पास में आती है, फिर भी उनके बीच में थोड़ा सा गैप रहता है, तो ये फ्री टू एक्सपांड है। तो इसमें क्या होगा, आपकी रेल की पटरी में कोई स्ट्रेस जनरेट नहीं होगी ना। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि इस कोरोना काल में हम लोग घर बैठे दिमाग में बहुत स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के भी कोर्स चलते हैं कि हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस इन द कोरोना लॉकडाउन, है ना। तो क्या है, स्ट्रेस हमेशा दिमाग के लिए खतरनाक होती है, इसीलिए बोलते हैं स्ट्रेस मैनेज करो, स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेस को रिलीज करो। तो वैसे ही मटेरियल जो है ना उसके लिए भी स्ट्रेस खराब है, क्योंकि जितनी स्ट्रेस मटेरियल में आती जाएगी उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, डाउन होती जाएगी, है ना। क्योंकि देखो एक गर्मी आई, 2012 में जी रहे हैं, गर्मी आई, मटेरियल की लेंथ इंक्रीज हुई और वो एक दूसरे से टच हो गया अगर, तो उसमें स्ट्रेस डेवलप हो गई। देखो अभी आगे लेके चलता हूँ, चलो एग्जाम्पल बाद में देता हूँ मैं। तो एक चीज तो क्लियर हुई आपको
कि आपका मटेरियल अगर फ्री टू एक्सपांड है तो उसमें क्या होगा, स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। अब यहां पर क्या करूं, सपोज मैं यहां पर है ना, यहां पर एक सपोर्ट और लगा दूं, क्या करूं यहां पर एक सपोर्ट और लगा दूं। अब एक सपोर्ट और लगा दिया मैंने, और अब मैंने क्या किया भैया, पहले जितना टेम्प से पहले सपोज मैंने 25 से 40 डिग्री टेम्परेचर किया था, अगेन अब सपोर्ट लगाने के बाद फिर वही काम फिर से किया, तो क्या अब इसमें इस बार में अब स्ट्रेस जनरेट होगी? यस सर, जनरेट होगी। क्यों जनरेट होगी? क्योंकि ये चाहता तो है कि मैं फेल जाऊं, चाहता तो है कि मैं डेल्टा टी डिफॉर्मेशन मेरे अंदर आ जाए, है ना, लेकिन ये जो सपोर्ट लगा दिया ये इसको जाने नहीं देगा, तो इस पूरे मटेरियल में क्या होगी, स्ट्रेस होगी, है ना। अब ये स्ट्रेस बढ़ती जाएगी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तो इस मटेरियल पे आपने एक्सटर्नल लोड कुछ नहीं लगाया, जैसे ही तापमान बढ़ा और ये खुद फेल हो गया, है ना, क्योंकि जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगी वैसे वैसे मटेरियल की जो कैपेसिटी है वो तो खत्म होगी ना, क्योंकि मटेरियल की भी एक हमने बोला ना, मटेरियल में फेटिक हो जाता है, लोड के स्ट्रेस के साइकिल जितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे उतना उसका फेलियर का प्रोबेबिलिटी बढ़ता जाएगा। तो हमको क्या चाहिए कि मटेरियल में स्ट्रेस नहीं आए, ताकि क्या है वो 100-150 साल तक कुछ ना हो। अगर रेल की पटरी में आप वहां पे गैप कम छोड़ दिया तो क्या होगा, एक साल में एक बार स्ट्रेस आया, अगले साल फिर से स्ट्रेस है, जैसे सर्दी से गर्मी आएगी वैसे वैसे हर बार एक एक साइकिल स्ट्रेस का चलता जाएगा। जैसे आपके दिमाग में बार बार स्ट्रेस आएगा तो एक टाइम बाद क्या हो जाएगा, फेटिक, वैसे ही आपका ट्रेन के उसके जो पटरी है उसमें बार बार अगर स्ट्रेस का साइकिल चलता रहेगा तो कुछ टाइम बाद उसमें भी उसकी स्ट्रेंथ में कुछ न कुछ लॉस होगा। तो हमें नहीं चाहिए कि वहां पर लॉस हो, इसलिए हम क्या करते हैं उसमें एडिक्वेट आपका गैप्स आपके पटरी के दोनों के बीच में छोड़ के रखते हैं। वो बाय कैलकुलेशन है, वो रैंडम नहीं है, है ना, ऐसा नहीं कि रैंडम ला के बीच में गैप छोड़ देते हैं। तो ये आपको अब ये तो पता लग गया कि यहाँ पे क्या होगा, हमारे स्ट्रेस डेवलप होगी। अब स्ट्रेस डेवलप कितनी होगी, है ना, स्ट्रेस डेवलप कितनी होगी, तो देखो यहां देखते हैं हम लोग, हमने कितना डिफॉर्मेशन रोका है, बोलो कितना डिफॉर्मेशन रोका है, डेल्टा टी डिफॉर्मेशन हमने होने नहीं दिया। तो जो स्ट्रेस डेवलप होगी वो भी इसी के लिए होगी, है ना, जो स्ट्रेस डेवलप होगी वो इसी डिफॉर्मेशन के लिए होगी, है ना। तो यहां पे देखते हैं हम लोग कि आपका जो डेल्टा टी है ना, कि हम लोग जानते हैं डेल्टा टी, ये जो आपका डिफॉर्मेशन है जो मैंने आपको यहां बताया था, इस डेल्टा टी को हमने पढ़ा है कि डेल्टा इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई, यहां पे पी क्या होता है, लोड, ठीक है। अगर इसको स्ट्रेस की टर्म में चेंज कर दूं तो पी बाय ए विल बी योर स्ट्रेस, स्मॉल पी से जो लिखा है मैंने, और टेम्परेचर की वजह से तो उसको मैंने क्या कर दिया है, पी टी, ठीक है। तो ये तो हम जानते हैं, तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि जो डेल्टा टी हमने रोका है, जो डेल्टा टी हमने रोका है उस रोकने के लिए किसका कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पे ये पी टी जो लिखा है, स्मॉल पी टी, ये स्ट्रेस हमने उस सपोर्ट्स के थ्रू उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि सपोर्ट लगाया ना तो मटेरियल में हमने डिफॉर्मेशन रोका है, तो ये इसमें पी टी स्ट्रेन उसमें पी टी स्ट्रेस उसमें आई है, क्या ये पी टी स्ट्रेस, पी टी से जो लिखा है। अब यहाँ पे पी टी को अगर आप अकेला कर दोगे तो ये बन जाएगा आपका डेल्टा टी इंटू ई बाय एल, यहां तक ठीक है, पी टी क्या बन जाएगा, डेल्टा टी इंटू ई बाय एल। अब यहाँ पे डेल्टा टी का ऊपर आपने एक्सप्रेशन पढ़ा है, डेल्टा टी का ऊपर आपने एक्सप्रेशन पढ़ा है, इट वॉज एल अल्फा टी, ये एल अल्फा टी है ना, एल अल्फा एल नहीं है, इट इज योर एल अल्फा टी, तो एल से एल काट देंगे अगर आप तो क्या बच जाएगा, ई अल्फा टी। अगेन वापस देखते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए, पी बाय ए, ये आपका क्या हो जाता है, आपका स्ट्रेस जो मैंने स्मॉल पी से लिखा है। अब आप इस स्ट्रेस की कैलकुलेशन चाहते हैं भैया कितना स्ट्रेस आया, क्योंकि आपने डिफॉर्मेशन तो होने नहीं दिया, आपने रोक दिया, है ना, तो बाकी चीजों का आप पीटी को निकालना, तो पीटी को छोड़ के बाकी को उधर भेज दिया मैंने, फिर आपने इस अल्फा टी की जगह, सॉरी इस डेल्टा टी की जगह आपने क्या किया, एल अल्फा टी रख दिया, एल अल्फा टी रख दिया, एल से एल गया तो दिस इज योर ई अल्फा टी, ई अल्फा टी। तो स्ट्रेस कितनी आई, तो अब दो चीजें याद करो, देखो मेरे साथ बोलना कि डिफॉर्मेशन हो अगर, है ना, डिफॉर्मेशन हो तो डिफॉर्मेशन कितना होगा, एल अल्फा टी, कितना होगा डिफॉर्मेशन, एल अल्फा टी, और अगर उसमें स्ट्रेस आए, हमने सपोर्ट्स लगा दिए स्ट्रेस आए तो कितनी आएगी, ई अल्फा टी, है ना। दोनों फॉर्मूले याद कर लो, एग्जाम में बहुत आते हैं, एल अल्फा टी एंड ई अल्फा टी,
डिफॉर्मेशन होगा एल अल्फा टी, स्ट्रेस आएगी ई अल्फा टी। ठीक, अगर आप डिराइव करके करना चाहो तो भी एग्जाम में कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में टाइम मिलता है 30 सेकंड्स का, 40 सेकंड्स का। अगर आपने उसको क्वेश्चन को कर लिया जल्दी तो आप लीड करते हो, बाकी क्या बच्चे सॉल्व करेंगे, निकालेंगे, 2 मिनट खा जाएंगे इक्वेशन में। तो सोम में आपको लीड करना है तो आपको कुछ चीजें फॉर्मूला डिराइव कैसे वो पता हो, कॉन्सेप्ट पता हो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कॉन्सेप्ट का भी हो सकता है और सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले का एप्लीकेशन भी हो सकता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले का एप्लीकेशन आता है तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे एल अल्फा टी है, ई अल्फा टी की कहानी हमारी फिलहाल पूरी हुई है ना। अब क्या करते हैं, एक केस और आता है आपका, है ना। अभी हमने दो केस बढ़े कि या तो बार फ्री टू एक्सपांड था, या हमने बिल्कुल बार को रिस्ट्रेन कर दिया, रोक दिया कि अभी आगे नहीं बढ़ने दूंगा। अब तीसरा केस और आता है कि सपोज आपने टेम्परेचर 25 से पढ़ रहे थे ना, हम 25 से 40 40 कर रहे थे, तो हमको ये पता है कि 25 पे आपका टेम्परेचर लेंथ था वो एल था, 40 करने पे आपका इंक्रीज हो रहा था डेल्टा टी। अब आपने क्या किया कि एक इस लेंथ पे, मैंने जो अभी रेड कलर से बनाया ना, इस लेंथ पे आपने फिक्स कर दिया कि एक सपोर्ट लगा दिया। अब इस केस में क्या होगा कि आपका बार ये जो ए लेंथ है, इस ए लेंथ तक तो फ्रीली एक्सपांड करेगा, लेकिन जो आगे की लेंथ है, ये ए लेंथ तक तो फ्रीली एक्सपांड करेगा, लेकिन जो आगे की लेंथ है जो मैं हरे कलर से हैच कर रहा हूं, इतनी लेंथ वो एक्सपांड नहीं हो पाएगा। तो ये जो लेंथ एक्सपांड नहीं होने दिए मैंने, इसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रेस जनरेट होगी। किसकी वजह से, जो हरा कलर का जो आपका मैंने डिफॉर्मेशन रोक दिया, इसकी वजह से स्ट्रेस जनरेट होगी। तो अब आपको बताना हो भैया कितनी स्ट्रेस जनरेट होगी, तो अगेन वही काम करो आप कि कितना डिफॉर्मेशन रोका है मैंने, टोटल मेरा डेल्टा टी था और रोका कितना है मैंने, उसमें से ए निकाल दूं तो ये वाला पोर्शन जो रोका है वो मैंने निकाल लिया। क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। जी सर। ठीक है रोशन, गुड गुड, कीप इट अप, है ना। तो यहाँ पे डेल्टा टी माइनस ए आ गया। अब जैसे हमने पहले किया था वैसे ही कि डेल्टा टी का वैल्यू इट इज योर पी एल बाय ए, और पी बाय ए इज स्मॉल पी टी, पी टी इज स्ट्रेस। तो आपका मैंने डेल्टा की जगह यहाँ पे डेल्टा टी ए टी माइनस ए लिख दिया, है ना। तो ये आपका क्या बन गया, उस स्ट्रेस का फॉर्मूला बन जाएगा। पी टी को अगेन अकेला कर दो और ये क्या हो जाएगा आपका अल्फा टी डेल्टा टी माइनस ए इंटू ए बाय एल। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा टी हमारा कितना होता है, एल अल्फा टी माइनस ए इंटू ई बाय एल। तो आपको इस फॉर्मेट में भी लिखा हुआ मिल सकता है। क्लियर, कोई परेशानी यहां तक? नो सर। वेरी गुड। अब मुझे एक बात बताओ कि भैया ये तो आपने सिंगल बार की बात करी है ना, अब मैं इसको कंपोजिट में लेके चलता हूँ। कंपोजिट बार का नाम सुना है आपने? यस सर। है ना, चलो पहले मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ होता क्या है कंपोजिट बार, है ना, फिर हम पढ़ते हैं उसके टेम्परेचर चेंज के बारे में। कंपोजिट बार होता क्या है ना, कंपोजिट बार या कंपोजिट सेक्शन। तो आपने कितनी बार देखा होगा, आपका पेन है ना, पेन जो आपके हाथ में है, पेन, उस पेन में क्या, उसके आउटर कोर जो है, उसकी जो आउटर कोर है दोनों तरफ से वो आपकी अलग है, और उसके बीच में जो नली है ना, वो अलग है। मैं आपको अलग बना देता हूँ उसको ऐसे, है ना। और ये एंड से क्या है आपकी, मैंने रिजिडली पकड़ रखी, आगे तो निब वाला ढक्कन लगा हुआ, पीछे उसका रोकने वाला ढक्कन लगा हुआ, तो दोनों तरफ से उसको टाइटली पकड़ रखी है। तो ऐसा जो सेक्शन बनता है ना, इसको हम बोलते हैं कंपोजिट सेक्शन। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंपोजिट सेक्शन। क्लियर हुआ? तो इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। स्ट्रक्चरल मेंबर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स रिजिडली कनेक्टेड टुगेदर एट देयर एंड्स टू फॉर्म अ पैरेलल अरेंजमेंट एंड सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोडिंग इज टर्म्ड एज कंपोजिट सेक्शन। डेफिनेशन बहुत बड़ा है ना, लेकिन समझने के लिए सिर्फ वो। तो हम लोग समझते हैं सिंपल कि आपका जो कंपोजिट सेक्शन है क्या, दो मटेरियल अलग अलग मटेरियल का जो सेक्शन बना हो, जो एंड से क्या हो मैंने रिजिडली पकड़ रखा हो, उसको हम क्या बोलते हैं आपका कंपोजिट सेक्शन। ठीक, या कंपोजिट बार या कंपोजिट सेक्शन। तो यहां पे क्लियर हुआ है ना। देखो ये मैंने जो बना रखा है, अभी ये देखा दिख रहा है आपको, ये आपका क्या है, इट्स अ कंपोजिट सेक्शन। क्लियर हुआ क्या ये?
यस सर है ना। अब देखो क्या करेंगे हम कि कंपोजिट बार पे टेम्परेचर इंक्रीज के क्या इफेक्ट होते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने दो बार ले ली, देखो अब जैसे आपने देखा होगा कि हर एक मटेरियल क्या टेम्परेचर के इंक्रीज में अलग बिहेव करेगा, है ना। आप कॉपर देखेंगे, स्टील देखेंगे, एल्यूमिनियम देखेंगे, रबर देखेंगे, हर एक मटेरियल टेम्परेचर इंक्रीज के केस में अलग अलग बिहेव करेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारा जो उसके इवन हीट का जो कंडक्शन होता है, हीट ट्रांसमिशन, उसमें भी सब प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है। इसीलिए हम कुकर का जब वो जो हैंडल होता है ना, वो हैंडल हम अलग मटेरियल का लेके आते हैं, क्योंकि उसमें हीट का ट्रांसफर नहीं होता है ना। तो वो सबका अपना अपना अलग अलग यूज है, वैसे ही अपने अपने टेम्परेचर केस में सबका बिहेवियर अलग अलग होता है। तो जो एक्सपेंशन का जो भी फिनोमिना है, एक्सपेंशन बोलो चाहे कॉन्ट्रेक्शन बोलो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक्सपेंशन होगा, टेम्परेचर घटाओगे तो कॉन्ट्रेक्शन होगा। तो दोनों के हर मटेरियल का डिफरेंट होगा। तो जनरली हमें स्टील और कॉपर का एक रिलेशन के बारे में पूछा जाता है, तो ध्यान भी रखना है आपको कि जो कॉपर होता है ना, उसका जो एक्सपेंशन होता है वो आपका ज्यादा होता है स्टील से, कॉपर का एक्सपेंशन ज्यादा होता है स्टील से, ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो आपको बोलेंगे, आपको वो देंगे किस टर्म में, अल्फा की टर्म में। आपको क्या बोलेंगे कि आपका जो अल्फा सी है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कॉपर, इट विल बी ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील। ये ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल गांठ बांध के रख लेना, पूछ लेगा आपको। तो ये आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि स्टील का कम होता है, कॉपर का ज्यादा होता है, स्टील का कम होता है, एल्यूमिनियम का ज्यादा होता है, ठीक है। ये रिलेशन ध्यान रहे, और कॉपर से भी ज्यादा होता है एल्यूमिनियम का। अब देखो यहाँ देखते हैं हम लोग कि जब आपका कोई कंपोजिट बार ऐसे बना हुआ है ना, एक स्टील का और एक कॉपर का, अब क्या मैंने इनके इनको क्या मैंने रिजिडली ज्वाइन कर रखा है। आपका ये स्टील है और ये आपका कॉपर है, इनको मैंने बीच में से यहाँ पे कनेक्शन दे के कंप्लीट ज्वाइन कर रखा है। इनका जो कनेक्शन है मैंने इनको कंप्लीट क्या कर रखा है, ज्वाइन कर रखा है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि मैंने इसको एंड्स जो है, ठीक है, जो एंड्स है वहां से मैंने इसको रिजिडली ज्वाइन कर रखा है। अब क्या होगा, अरे गलत डिलीट कर दिया यार, वापस बनाता है। एक तो हो गया ये आपका स्टील, ये हो गया आपका कॉपर, है ना। ये एंड से क्या कर दिया मैंने, रिजिडली कनेक्ट कर दिया स्टील और ये कॉपर। अब क्या होगा कि जब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होगा, लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी है ना। अब लेंथ बढ़ेगी तो दोनों की बढ़ेगी कि एक की बढ़ेगी भाई, दोनों की बढ़ेगी है ना, क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, दोनों की इंक्रीज ही होगी, मेटल्स है, टेम्परेचर इंक्रीज पे इंक्रीज होगी। लेकिन क्या दोनों की इक्वल इंक्रीज होगी क्या, नहीं 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 होगी, है ना। इसीलिए क्या करते हैं हम, शादी कराते हैं तो हस्बैंड वाइफ के जोड़े वो क्या बोलते हैं, गुण मिलवाता है कि दोनों के प्रॉपर्टी सेम हो ना तो शादी करवा देता है। भले खराब हो दोनों खराब होना चाहिए, और अच्छे है दोनों अच्छे होना चाहिए। अगर एक बुरा हुआ और एक तेज है और एक धीरे है ना, तो उनकी जोड़ी नहीं जमेगी। दो दोस्त हो, दोस्त कैसे बनते हैं, बोलते राम मिला है जोड़ी, तो सेम सेम चीजें क्या साथ में रहे ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे मेटल्स के साथ भी वही है, है ना। ये प्रॉपर्टी हम कंक्रीट में, जो हम स्टील यूज करते हैं ना, तो कंक्रीट में स्टील क्यों यूज करते हैं, कॉपर क्यों नहीं यूज करते हैं, ये कॉन्सेप्ट वहां पे भी जाके लगेगा। तो हम इसको यहाँ डिराइव करते हैं। देखो कि जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो कॉपर तो क्या करेगा, ज्यादा एक्सपांड करेगा, क्या करेगा, ज्यादा एक्सपांड करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, कॉपर होना चाहेगा ऐसा, कॉपर होना चाहेगा ऐसा, ठीक है, और स्टील होना चाहेगा ऐसा, ठीक है। अब एक बात बताओ भैया, स्टील तो हो रहा है कम एक्सपांड, ठीक है, और कॉपर हो रहा है ज्यादा, लेकिन बीच में जुड़े हुए हस्बैंड वाइफ की तरह जुड़े हुए हैं तो एकदम एक दूसरे से, तो क्या करेगा, स्टील बोलेगा कॉपर को, भैया मैं इतना फैलने नहीं दूंगा क्योंकि मैं कम फैल रहा हूं ना, क्योंकि दोनों है तो कनेक्टेड है एक दूसरे से रिजिडली। तो क्या करेगा कि स्टील जो है वो कॉपर को ज्यादा फैलने नहीं देगा, तो उस पर क्या करेगा, एक तरीके से हर जगह से पकड़ के उसको बोलेगा, नहीं भैया तू अंदर आ, क्या बोलेंगे, नहीं भैया तू अंदर आता जा, वापस से कंप्रेशन में रहे, तो उसमें क्या कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगी, क्या जनरेट होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस, क्लियर। मतलब देखो, जब टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो वो मटेरियल जिसका अल्फा ज्यादा है, वो मटेरियल जिसका अल्फा ज्यादा है उसमें क्या जनरेट होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस,
ठीक है, अब ऊपर बात करते हैं आपके स्टील की। अब स्टील क्या, स्टील भी फेल रहा है, लेकिन स्टील कम फेल रहा है ना। तो क्या है कि आपका कोपर क्या बोलेगा कि भैया मुझे ज्यादा लंबा होना, थोड़ा लंबा तू भी हो जा, है ना। तो इसकी कैपेसिटी इसने रीच कर ली ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, लेकिन क्या कोपर बोलेगा कि नहीं थोड़ा लंबा तेरे को भी होना पड़ेगा क्योंकि मैं भी तो बैलेंस कर रहा हूँ, तो वो बैलेंस करेगा इस तरीके से। तो ये क्या है कि इसमें क्या आ जाएगा आपका टेंजाइल स्ट्रेस। तो यहाँ पे देखो कॉपर में आया है कंप्रेसिव स्ट्रेस और ऊपर आपके स्टील में आया है टेंजाइल स्ट्रेस। ये क्लियर हुआ क्या? यस सर। है ना, तो मतलब देखो हमने हमने तो खाली बना के छोड़ दिया स्टील और कॉपर रखा हुआ है ना, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया है ना और दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, दोनों में स्ट्रेस डेवलप हो रही है। इसीलिए बोलते हैं कि मुसीबत की घड़ी आती है ना तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन का पता लगता है। कोरोना काल में पता लग रहा है कि कितना प्यार है और कितनी नफरत है। मुसीबत की घड़ी जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो क्या होता है दोनों एक दूसरे फैलते हैं, लेकिन बराबर फैल रहे तो ठीक है, अगर आगे पीछे है दोनों में तो क्या स्ट्रेसेस जनरेट हो रही है, कट कट के मर जाएंगे। तो अपने क्या मटेरियल हमेशा सेम, जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो दो जब कोई भी मटेरियल ज्वाइन करेंगे रिजिडली तो वहां पे अपने क्या चाहिए दोनों का कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन सेम हो। अगर वो सेम नहीं हुआ तो क्या होगा वहां पे स्ट्रेसेस जनरेट होगी, और स्ट्रेस जनरेट होना हमेशा बुरा है। हम तो चाहते हैं मटेरियल आपका स्ट्रेस फ्री रहे, फोकट की स्ट्रेस नहीं आए। एक्सटर्नल लोड से आए तो ठीक है काम से आ रही है, फोकट की नहीं आनी चाहिए। इसीलिए आपके जब स्टील आपका कंक्रीट बनाता है आरसीसी सेक्शन बनाता है तो उसमें आपका स्टील लगाता है, क्योंकि जब भाई आपने बनाया अपना अपना घर बनाया है ना, उसमें कॉलम बनाया आपने, कॉलम में स्टील कंक्रीट दोनों है, और अगर टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर अपने हम इंडिया में रहता है ना, और इंडिया ऐसा देश है जहां पर टेम्परेचर का वेरिएशन कितना है कि दिन का टेम्परेचर होता है 41 डिग्री और रात का टेम्परेचर हो जाता है 26, 27, 28, 29, 30 डिग्री है ना, और सर्दी में ये टेम्परेचर चला जाता है 8 डिग्री पे, तो टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ज्यादा है ना। तो हमें इस टेम्परेचर वेरिएशन का ध्यान रखना पड़ता है ना। तो इसीलिए क्या टेम्परेचर वेरिएशन को ध्यान में रखते हुए हमने क्या आपका जो आरसीसी उस पर लगाया आपका स्टील लगाया, ताकि क्या उनका, क्योंकि उनका दोनों का जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो लगभग बराबर है, तो जब एक्सपांड होंगे दोनों साथ में होंगे और कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो दोनों साथ में होंगे, उसमें फोकट की स्ट्रेस जनरेट नहीं होगी। अगर ऐसा नहीं किया मैंने, हमने उसमें दूसरा मटेरियल लगा दिया जो कॉन्क्रीट के बराबर का नहीं है, तो क्या होगा एक लंबा होगा एक छोटा होगा, तो उनके बीच का जो बॉन्ड है कॉन्क्रीट और जो हम रेन्फोर्समेंट डालेंगे उसका बॉन्ड है, वो बॉन्ड क्रेक होता चला जाएगा और सेक्शन टूट जाएगा। ठीक है, यही रीजन है वहां पे कॉन्क्रीट में स्टील यूज करने का। ठीक सर। यस हेलो सर। हाँ बोलो। सर टेंशन और कंप्रेशन दोनों की इंटेंसिटी सेम होगी क्या? सर टेंशन और कंप्रेशन दोनों की इंटेंसिटी सेम होगी क्या? हाँ बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर लगा रहे, ये तो एक्शन और रिएक्शन है ना। जी सर। है ना, दोनों सेम होगी, यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन है, एक का एक्शन है दूसरे का रिएक्शन है, तो दोनों का जो इंटेंसिटी है वो सेम होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा। ठीक है ठीक है। अब यही बात कर ले हम, अगर अभी हमने बात की थी टेम्परेचर इंक्रीज किया था, अब हम मैं टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा और आप लोगों से पूछूंगा, आप बताना कि ये तो आपका रह गया भैया स्टील और ये आपका रह गया आपका कॉपर, और मैंने किया टेम्परेचर डिक्रीज है ना, तो अब कंप्रेशन में कौन आएगा टेंशन में कौन आएगा बताओ, कौन बताएगा? स्टील कंप्रेशन। अरे हर्षल रुको यार, इनको भी जवाब देने दो, तुम सब जानते हो तुम तो। ठीक है सर। है ना, तुम क्वालिटी क्वेश्चंस के लिए हो लास्ट में, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? मयंक पीयूष जी रिधि अखावत तुम लोग क्या कर रहे हो? सर फोन चार्ज पे भी लगा था साथ में। फोन चार्ज कर लेंगे सर, बिल्कुल अभी 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 कर देंगे। हेलो। हाँ कॉपर आएगा सर कंप्रेशन में और स्टील टेंशन में? कॉपर आएगा आपका कंप्रेशन में। हाँ सर। और स्टील आएगा टेंशन में? टेंशन में। देखो अब उसको हम क्या करें, हम एग्जाम में क्या, देखो एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को बदलने के बहुत तरीके थे। एग्जाम में क्या 2 मिनट लगते हैं हमको, मतलब 2 मिनट नहीं 10-20 सेकेंड्स लगते हैं इसको, इस मैकेनिज्म को बना के देख लेना है। कैसे देखना है देखो, इसको देखने का एक ही तरीका है कि आप क्या करो, आप क्या करो यहां पे कि आप आपका ये आपका था मेरा स्टील
ये था मेरा कॉपर, है ना। टेम्परेचर किया मैंने डिक्रीज, टेम्परेचर किया मैंने डिक्रीज, तो टेम्परेचर डिक्रीज किया मतलब दोनों शॉर्ट होंगे, दोनों शॉर्ट होंगे तो कॉपर ज्यादा शॉर्ट होगा, क्योंकि देखो जिस कॉपर जितना फैलता है उतना ही जल्दी उसका लेंथ डिक्रीज भी होता है, तो कॉपर की लेंथ डिक्रीज होगी, तो कॉपर की लेंथ ज्यादा डिक्रीज होगी और स्टील की कम डिक्रीज होगी। तो कॉपर स्टील को क्या बोलेगा, भैया नहीं भैया तू भी डिक्रीज हो मेरे साथ, तो स्टील में क्या आएगा, यहाँ पे स्टील में आएगा कंप्रेशन और कॉपर में आएगा टेंशन। एग्री करते हो? किस किस का जवाब सही है? बोलो किस किस का जवाब सही है? समझ में आया कि नहीं आया कुछ? अरे कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आया तो आया, आया नरेंद्र सिंह। बाकी लोग, राजेश जी, दीदी अखावत इज सेइंग बट स्टील बट क्या कमेंट किया इन्होंने, बट सर कॉपर कंप्रेशन में होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? अगेन देखो फिर से ड्रॉ करते हम, है ना। टेम्परेचर इंक्रीज, पहले हम डिक्रीज करेंगे, एक इंक्रीज करेंगे एक डिक्रीज करेंगे, दोनों केस करके देखते हैं। पहले करता हूं मैं टेम्परेचर इंक्रीज, है ना, टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं। टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो कॉपर ज्यादा एक्सपांड होगा, कॉपर ज्यादा एक्सपांड होगा तो स्टील में क्या आ जाएगा, स्टील में आ जाएगा टेंशन और कॉपर में आ जाएगा कंप्रेशन। यहां तक ठीक है? अब जैसे ही मैंने टेम्परेचर डिक्रीज किया, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा तो क्या होगा, कॉपर टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा तो क्या होगा, कॉपर सिकुड़ेगा और स्टील उससे कम सिकुड़ेगा, क्योंकि स्टील की तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कम है। तो क्या होगा कि यहाँ पे आप स्टील कम सिकुड़ा, कॉपर ज्यादा सिकुड़ा, तो कॉपर स्टील को बोलेगा नहीं भैया तू और सिकुड़ जा, तो स्टील में यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, कंप्रेशन और कॉपर में आ जाएगा टेंशन। रिद्धिया अखावत आई होप इट इज क्लियर नाउ। हम लोग जो क्वेश्चन करते हैं ना अभी तक वो करते हैं सिर्फ टेंशन का, लेकिन कंप्रेशन का भी पूछा जाने लगा एग्जाम में। ठीक, किसी कोई कंफ्यूजन? चलो भैया ये तो क्लियर हो गया, है ना, तो ये कंडीशन तो क्लियर हो गई हमारी। अब एक कंडीशन और आती है, क्या कंडीशन आती है कि मैं इन दोनों को, इन दोनों को मैं क्या करता हूं, इन दोनों को मैंने, मेरे सपोर्ट्स होते हैं ना फिक्स सपोर्ट्स, तो कोई दो दीवारों के बीच में मैंने बंद कर दिया इनको दोनों को कंप्लीट। अब मैंने क्या किया, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज किया, क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो दोनों में कौन सी स्ट्रेसेस जनरेट होगी, क्वेश्चन रिपीट करता हूं। मैंने अभी अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो स्टील में कौन सी स्ट्रेस होगी और कॉपर में कौन सी स्ट्रेस होगी, कौन बता रहा है? कोई नहीं बता रहा है क्या? देखो मैंने क्या किया, फिक्स सपोर्ट लगा दिया है, अब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो स्टील और कॉपर में कौन कौन सी स्ट्रेस होगी। देखो दोनों का नेचर क्या है, एक्सपांड होने का, दोनों तरफ मैंने क्या कर लिया, रिजिडली अटैच कर दिया है, तो दोनों को फैलना था इतना, दोनों की लेंथ इंक्रीज होनी थी इतनी, दोनों की लेंथ इंक्रीज होनी थी, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो पा रही है, लेंथ इंक्रीज नहीं हो पा रही, दोनों में क्या होगा आपका, दोनों में क्या होगा आपका, कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा। ठीक, उज्जवल, सतवीर, रोशन, क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, बोलते जाओ यार। यस सर, आ रहा है बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पे अगर आपके दोनों तरफ सपोर्ट्स लगा दूं मैं, आपके कोई क्वेश्चन आजकल ऐसा ही पूछा जाने लगे, दोनों तरफ सपोर्ट्स लगा दिया फिक्स, है ना, और अब आपका स्टील और कॉपर में कौन सी स्ट्रेस जनरेट होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपके क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस, और टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई होप इट इज क्लियर नाउ, ये क्लियर हो गया। ये आपका, देखो ये आपका क्वेश्चन था, मैंने एग्जाम से उठाया था कहीं से, कि व्हेन बोथ एंड्स आर फिक्स्ड
तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बोथ विल बी इन कंप्रेशन, और टेम्परेचर डिक्रीज होगा देन बोथ विल बी इन टेंशन। ठीक, यही बताया था मैंने, उल्टा बताया था सर। यस सर, टेम्परेचर अगर जैसे अगर फिक्स सपोर्ट है, हाँ, तो अगर फिक्स सपोर्ट है दोनों साइड से अगर टच है इंक्रीज में, तो चलो वो उसके टच होंगे तो वो चलो उसके हिस्से से डेवलप होंगे और वो कंप्रेशन में आएगा, पर अगर डिक्रीज होगा तो टेंशन में कैसे आएगा फिर तो उस पे कोई मतलब। सुनो देखो अभी बता देता है, ये जो सपोर्ट है ना ये इमूवेबल है, ये कहीं पे मूव नहीं करते, ये जहां है वहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक। अब अगर अभी इसकी लेंथ एल है, अभी इसकी लेंथ एल है इसकी लेंथ, ठीक है। अब मैंने अगर इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होगा, लेंथ इंक्रीज होगी। लेंथ इंक्रीज होगी तो फैलने की कोशिश कर रहा है लेकिन सपोर्ट नहीं फैलने देंगे, तो सपोर्ट इस पे क्या करेंगे, कंप्रेसिव टाइप का फोर्स डालेंगे। क्या डालेंगे, कंप्रेसिव टाइप का फोर्स डालेंगे, लेंथ इंक्रीज होने नहीं दूंगा मैं, है ना। तो उसकी वजह से उसमें क्या आ गया, कंप्रेशन, तो कंप्रेशन आया तो उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होगी। अब इसी में बात करते हैं, अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया जाए, टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया जाए तो ये जो लेंथ थी इनिशियल लेंथ, ये जो इनिशियल लेंथ थी ये लेंथ क्या होगी, कम होने की कोशिश करेगी। अब लेंथ कम होगी लेकिन सपोर्ट ने तो उनको पकड़ के रखा है ना कट्ठा, तो लेंथ होना चाहती है कम, लेंथ होना चाहती है कम, और सपोर्ट ने हमने उसको सपोर्ट से पकड़ रखा है, तो उसमें क्या डेवलप होगा भैया, टेंशन, क्योंकि आपको छोटा होना है, सपोर्ट ने पकड़ के लंबा कर रखा है जबरदस्ती, मतलब उस पर टेंशन फोर्स लगा रखा है, तो उसमें क्या आ गया, टेंशन। ठीक है, क्लियर? यस सर। चलो भैया, तो ये हमारी थी आज की टेम्परेचर स्ट्रेसेस। ठीक है, अब आपको मैंने कंपोजिट सेक्शन तो भी बताया था, तो उसको मैं कंपोजिट सेक्शन को पूरा भी कर देता हूँ, कि कंपोजिट सेक्शन जो है आपकी, ठीक है, ये आपकी क्या है, एक इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें आपके अननोन्स ज्यादा हो जाते हैं, अननोन्स आपके ज्यादा हो जाते हैं एज कंपेयर टू द इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन कितनी है हमारे पास, तीन, सम ऑफ एफ एक्स जीरो, सम ऑफ एफ वाई जीरो, और सम ऑफ मोमेंट एट एनी पॉइंट इज जीरो। लेकिन यहाँ पे जो अननोन है वो हमारे अननोन ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्यूब में और रोड में दोनों में स्ट्रेसेस भी फाइंड करनी है, तो अननोन्स को निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या, एक कंपेटिबिलिटी इक्वेशन का यूज करेंगे। किसका, कंपेटिबिलिटी इक्वेशन, एक्स्ट्रा इक्वेशन जो भी यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं कंपेटिबिलिटी इक्वेशन। तो वो क्या है आपकी, कि आपका जब ये एंड से अगर फिक्स्ड है, मतलब फिक्स्ड है मतलब सपोर्ट नहीं है ना, ये इसको सपोर्ट मत समझना, एंड पे मैंने प्लेट लगा के इनको मैंने कंप्लीट वेल्ड कर रखा है, कि भैया एक दूसरे से लेंथ एक दूसरे ज्यादा अलग इंक्रीज नहीं कर सकते, जितना ट्यूब बढ़ेगा उतना ही अंदर से रोड बढ़ेगा। तो आपका एक चीज क्लियर है कि पी जो है टोटल लोड, इसको दोनों मिलकर बियर करेंगे, पी वन प्लस पी टू, पी ट्यूब प्लस पी रोड, लेकिन जो दोनों में डिफॉर्मेशन होगा वो भी तो सेम होगा ना अंडर एक्सियल लोड्स। तो ये आपकी जो एक्स्ट्रा कंडीशन दी है मैंने, डेल्टा वन इज इक्वल टू डेल्टा टू, ये मेरी क्या है, कंपेटिबिलिटी कंडीशन। ठीक, ध्यान रखोगे? तो इस डेल्टा, डेल्टा का फॉर्मूला आपने निकाला था, डेल्टा विल बी पीएल बाई ए, और इधर भी आपका पीएल बाई ए, तो यहां से आपको ये फॉर्मूला, ये भी आपको रिलेशन ध्यान रखना, ये आपको भी क्वेश्चन में आएगा आपके। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो कि दोनों में जो स्ट्रेन होगी, क्योंकि स्ट्रेन क्या है, डेल्टा एल बाई एल, तो जब डेल्टा ही सेम है तो स्ट्रेन भी दोनों में सेम ही होगी। ठीक, क्लियर है? ये काम करनी है, ठीक है, सुपर पोजिशन थ्योरम काम की नहीं है आपके। ठीक है, फेलियर हम कल पढ़ेंगे, हम आज तक के क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी फेलियर को रहने देते हैं। ये रहा, एक घंटा कम पड़ता है यार, बहुत कम पड़ता है। ये क्वेश्चन पढ़ो जरा, ये नहीं पढ़ा आपने, है ना, ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा। अच्छा, ये तो क्वेश्चन कर ही लो, चलो क्यों, क्वेश्चन क्या पढ़ो जरा। फॉर द वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मटेरियल शुड बिहेव इन विच मैनर। तो देखो, आपकी जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ना, इसके सारे जो रूल्स है ना, वो सारे रूल्स सिर्फ
लीनियरली इलास्टिक मटेरियल के लिए, तो आपको आंख बंद करके लगा देना लीनियरली इलास्टिक मटेरियल, ठीक है? कोई भी रूल पूछा, हुक्स लो, सुपरपोजिशन लो, टोर्शन प्रिंसिपल, बेंडिंग प्रिंसिपल, कोई भी पूछा जाए, सब कहां तक वैलिड है? सिर्फ लीनियर इलास्टिक तक। तो किसी भी प्रिंसिपल के लिए पूछे कहां तक वैलिड है? लीनियरली इलास्टिक तक, ठीक? यस सर। गुड गुड गुड, हर्षवर्धन कीप इट अप। ये देखो भैया, क्वेश्चन दिख रहा है? क्वेश्चन दिख रहा है? अभी दिख रहा है क्वेश्चन ना? A composite beam is composed of two equal strips, one of brass and other of steel. अब brass का जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है वो भी ज्यादा होता है आपका स्टील से, है ना? ये ध्यान रख लो, स्टील का कम होता है, है ना? तो इफ द टेम्परेचर इज रेज्ड क्या होगा इसका आंसर? डी। डी बंटी सालवी जी ने दिया है, डी हर्षवर्धन ने दिया है, डी। और कोई? अब देखो यहाँ पे हम लोग सीधा देखते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो जिसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा होगा उसमें क्या होगा? कंप्रेशन होगा, है ना? और बाकी आप मैकेनिज्म समझना चाहो तो भी मैकेनिज्म समझ लो भैया, कि ये तो स्टील, ये ब्रास, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा मतलब ज्यादा फैलना है, मतलब स्टील को तो खींचेगा और ये ब्रास को कंप्रेशन में आएगा। तो ये दो पॉइंट तो क्लियर हो गए, ए और बी, तो ठीक है। अब ये सी पॉइंट का क्या सीन है? तो सी पॉइंट क्या बोल रहा है? कंपोजिट बीम गेट सब्जेक्टेड टू अ कपल, है ना? क्या बोल रहा है? सब्जेक्टेड टू अ कपल। अब कपल का मतलब मैंने आपको समझा था मोमेंट लग जाए। तो यहाँ पे देखो, अगर ऐसा सेक्शन है, एक ऐसा है और एक ऐसा है, एक तो चाहता है मैं लंबा होता जाऊं और एक किस में जा रहा है? कंप्रेशन में। तो ये इस तरीके से बेंट होने लगेगा, कैसे बेंट होने लगेगा? इस तरीके से बेंट होने लगेगा। तो इस तरीके से बेंट होने लगेगा तो इसका मतलब क्या है? ऐसा एक्शन कब होता है? जब उसमें क्या लगी हो आपकी, जब उसमें क्या लगी हो आपके? बेंडिंग लगी हो, क्या लगा हो? कपल लगा हो, है ना? तो यहाँ पे लिखा है कंपोजिट बीम विल गेट सब्जेक्टेड टू अ कपल, तो आपका सी ऑप्शन भी सही है। तो इट इज ऑल ऑफ दिस, ठीक? क्लियर है? देखो आपके लकड़ी के पट्टिये जो होते हैं, है ना, लकड़ी के जो प्लैंक होते हैं, प्लैंक, वुडन प्लैंक्स, टिम्बर से जो काट के लाते हैं टिम्बर, तो वो क्या पड़े रहते हैं? जब उसको सुखाते ड्राइंग करते हैं तो जब लाते हैं तब तो वो स्ट्रेट होता है, लेकिन जब क्या उसको धूप में सुखाते ड्राइंग के लिए, तो ऊपर वाला जो फेस है, ये ऊपर वाला जो फेस है, ये क्या डायरेक्ट सनलाइट को फेस करता है, तो इसमें टेम्परेचर ज्यादा रहता है। तो इसमें क्या है कि वो इसमें जो चेंजेस होते हैं वो चेंजेस कैसे हो जाते हैं आपके, ये तो आपका क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है, है ना? और ये नीचे वाला वैसा ही रह जाता है, तो इसके आपके इस तरीके से शेप बन जाता है, तो इसका तो होगिंग टाइप का शेप बन जाता है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, उसमें ड्राइंग की प्रॉपर्टी में वेरिएशन की वजह से बेंडिंग जनरेट हो जाती है, और सिमिलरली हमारे मेटल में भी यही प्रोसीजर फॉलो हो जाता है, ठीक है? अब और आगे चलते हैं हम लोग। आज तो टेम्परेचर पे एक ही क्वेश्चन है मेरे पास, क्या बात है? टेम्परेचर पे एक ही क्वेश्चन लेके आया हूं ताकि एक से ही सारी, क्योंकि मैंने क्वेश्चन आपको सारे वहीं करा दिया, ठीक? क्लियर? किसी कोई डाउट अभी तक? किसी कोई डाउट हो तो पूछो। वेरी गुड। आज जो पढ़ा है टेम्परेचर स्ट्रेस, इसको देखना, देखो इस पे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? हमने द्रोणा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पे एक टेस्ट करवाया था, उसमें भी हर्षवर्धन शायद ये क्वेश्चन था ना इसका एक, हाँ सर, है ना? तो ये हर एग्जाम में आता है, आप कोई भी बुक उठा के देखोगे ना, कोई भी एग्जाम का पेपर, वहां पे आपको इसका क्वेश्चन मिलेगा। तो आप लोग ये कीजिए, ठीक है? तो अब हम कल वापस से आपको शुरू करेंगे, वापस नया इसके आगे हम बढ़ेंगे इस चैप्टर को, और कल ऑलमोस्ट हम फिनिश कर देंगे। तो आप अपना मैक्सिमम प्रेजेंट वहां पे रखिए, और आपको कोई कल का कंटेंट आप लोग बहुत सारे थे नहीं, तो मैंने कल